नमस्कार साथियों, ज्ञान बूस्टर की कंप्यूटर शाला में मैं दीपक जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी इस शाला में शून्य से एडवांस लेवल तक कई प्रकार के कंप्यूटर कोर्स और ट्रिक्स सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में उपलब्ध होंगे, ताकि कोई भी न्यू लर्नर बिना खर्च के आसानी से कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सके। आप सबसे मेरा निवेदन है, हमारी इस कंप्यूटर शाला को सब्सक्राइब करने के साथ न केवल बेल को एक्टिव करें बल्कि शेयर भी करें। तो बिना विलंब किए डे वन की कंप्यूटर शाला शुरू करते हैं। साथियों, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर बनता है, जिसमें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तथा इसकी सहायता से चलने वाले एमएस ऑफिस, गेम, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि कई सॉफ्टवेयर भी। और हार्डवेयर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, बस ये चार डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य है, जिनके बिना कंप्यूटर अधूरा है। कंप्यूटर उपरोक्त चारों डिवाइसेस से मिलकर बना है, इसलिए इसे आमतौर पर हम सिस्टम भी कहते हैं, और हिंदी में कंप्यूटर को संगणक या अभिकलक भी हम कह सकते हैं। सिस्टम का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुएं, व्यक्ति या घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट को केस या बॉक्स या कंप्यूटर चेसिस भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS इत्यादि आवश्यक पेरिफेरल्स होते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे मॉनिटर की। मॉनिटर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है निरीक्षण करना या जांच करना। कंप्यूटर पर हम जो भी काम कर रहे हैं सही हो रहा है या गलत हो रहा है या क्या करना है, इस पर हम नजर कैसे रखते हैं, स्क्रीन के द्वारा ही, इसलिए इसका नाम मॉनिटर भी रखा गया है। मॉनिटर के अलावा इसके और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे स्क्रीन तो हम आम भाषा में कह रहे हैं, और डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्क पर यानी कि टेबल पर रखा होता है इसलिए डेस्कटॉप भी बोल देंगे। डिस्प्ले कह सकते हैं, वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। पुराने समय में CRT चलते थे, कैथोड रे ट्यूब जिसका पूरा नाम होता है, और उसके स्थान पर अब LCD या LED फॉर्मेट आ चुके हैं। मॉनिटर के बाद हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को हिंदी में हम कहेंगे कुंजी बटन, KEY की का मतलब होता है कुंजी, और कुंजी का अर्थ तो हम समझते हैं बटन। और इस बोर्ड पर कई सारे बटन्स हैं, यानी कई सारी कुंजियां हैं, कई सारे कीज हैं, इसलिए इस बोर्ड का नाम हमने रखा है कीबोर्ड। कंप्यूटर के सारे काम कीबोर्ड से कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट्स आना चाहिए, मतलब कीबोर्ड का सही उपयोग करते हुए आपको आना चाहिए। लेकिन इतनी सारी की कॉम्बिनेशन हम याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए कीबोर्ड के स्थान पर हम यूज करते हैं माउस का भी। कई सारे काम ऐसे हैं जो कीबोर्ड से करेंगे तो ईजी हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, और माउस से करेंगे तो स्लो हो जाएंगे। और कई सारे काम ऐसे हैं जो माउस से करेंगे तो फास्ट होंगे, इजी होंगे, और वही काम कीबोर्ड से करेंगे तो स्लो हो जाएंगे या फिर हमें मेहनत ज्यादा करना होगी। इसीलिए कीबोर्ड और माउस दोनों का महत्व तो बिल्कुल एक जैसा है, दोनों अपने अपनी जगह उपयोगी है। ठीक है, माउस पर दो बटन होंगे, एक राइट हैंड साइड जिसे हम कहेंगे राइट क्लिक बटन, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम कहेंगे लेफ्ट क्लिक बटन, और बीच में एक पहिए की तरह बटन होता है जिसे स्क्रॉल व्हील कहेंगे। माउस को जैसे ही हम आगे पीछे मूव करते हैं तो माउस के साथ में ही एक एरो भी स्क्रीन पर मूव करता है, इस एरो को हम कहेंगे पॉइंटर, मतलब हमारे लिए सारे काम कौन करेगा, पॉइंटर। कंप्यूटर में बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है दो आदतें। पहली आदत है पढ़ने की, बिना पढ़े कोई काम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और गलती से डिलीट पर क्लिक हो गया है या डिलीट बटन दब गई है, तो डायरेक्ट वो फाइल डिलीट नहीं होगी, कंप्यूटर हमसे पहले पूछेगा कि क्या उस फाइल को मैं डिलीट कर दूं, और हमने बिना सोचे बिना पढ़े डिलीट पर क्लिक कर दिया या यस या ओके कर दिया तो फाइल डिलीट हो जाएगी। इसका अर्थ है कि आपको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े कोई काम नहीं करना है। पढ़ने की आदत हमारे काम भी आएगी। जैसे यहाँ पर जितने भी टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सारे टूल्स में से किसी भी टूल पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाइए और छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर में उस टूल का नाम और सारी डिटेल्स लिखी हुई आ जाएगी। मतलब ये कि कंप्यूटर खुद भी हमें सिखाएगा कि कौन सा टूल क्या काम में आता है, तो पढ़ने की आदत हमारे काम भी आएगी। दूसरी आदत है कंप्यूटर की भाषा को समझना, यानी कि उसके सिग्नल्स को पहचानना या समझना कि वो किस सिग्नल से क्या शो करता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जितने भी टूल्स हैं उन सभी के अलग अलग आइकॉन्स हैं, मतलब अलग अलग चेहरे, अलग अलग पहचान है। पेंसिल पेंसिल की तरह बनी हुई दिखाई दे रही है, या फिर इरेजर है तो इरेजर की तरह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स या सॉफ्टवेयर के अलग अलग आइकॉन्स देखने को मिलेंगे, जैसे टेलीप्राइम का आइकॉन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस, ये 3D व्यूअर और सॉल्टेयर, पेंट ब्रश, सभी सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, तो आइकॉन्स से भी हम पहचान कर सकते हैं, ये भी कंप्यूटर की भाषा का एक तरीका है। तो कंप्यूटर में आपकी दो आदतें होना चाहिए, पहली आदत पढ़ने की और दूसरी आदत है कंप्यूटर के इन सिग्नल्स को पहचानना, यानी कि आइकॉन से सॉफ्टवेयर की या टूल की पहचान करना। दूसरी भाषा का एक हिस्सा और है, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम किसी भी टूल पर क्लिक करेंगे
तो वो टूल सबसे अलग दिखेगा, मतलब उस पर एक हाईलाइट दिख जाएगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उस सॉफ्टवेयर में वो टूल सबसे अलग दिखता है। इसका मतलब वो टूल हमने सिलेक्ट किया है, और जैसे कि मैंने इसे क्लिक किया तो इस पर एक हाईलाइट दिख रहा है, किस पर, पेंसिल पर। तो जिस टूल पर हम क्लिक करते हैं वो बाकी सारे टूल्स से थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, इसका मतलब वो टूल सिलेक्टेड है। तो चलिए पेंट ब्रश के साथ में डे वन की कंप्यूटर शाला शुरू करते हैं। साथियों, पेंट ब्रश को हम बच्चों के काम का सॉफ्टवेयर समझते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पेंट ब्रश भी काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। पेंट ब्रश में आपको मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पेंट ब्रश के सारे टूल्स मैं सिखाऊंगा ताकि आप उन सारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो आज की क्लास में पेंट ब्रश के सारे टूल्स हम समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पेंट ब्रश या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको इस तरह से तीन बटन मिलेंगे। सबसे पहला बटन है मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसको मिनिमाइज करके नीचे टास्क बार में आप रख दीजिए ताकि कोई और काम भी करना हो तो कर सके। दूसरा है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन। अभी इसका नाम है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर का मतलब इसे स्क्रीन साइज से थोड़ा छोटा कर देना। और अब इसका नाम है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन कर दो। ठीक है। तीसरा है क्लोज, यानी कि पेंट ब्रश को क्लोज कर दीजिए। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे ऊपर जहां पर फाइल का नाम आता है उसे हम बोलेंगे टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए क्योंकि हमारी फाइल का या सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे मैं इस फाइल को अभी सेव करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस का यूज करके इस फाइल का नाम मैंने रखा ABCD और सी। तो देखिए फाइल का जो नाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये टाइटल बार है और वहीं पर हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड पर फाइल ऑप्शन मिलेगा। फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, इस तरह से कई सारे कमांड आपको मिलेंगे, जैसे फाइल को सेव करना हो या नई फाइल क्रिएट करना हो, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 12 कमांड्स हैं जिनकी जरूरत आपको हर एक जगह पर पड़ेगी, तो फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। होम टैब और व्यू टैब, यहाँ पर दो टैब हैं। होम टैब में कई सारे अलग अलग फंक्शंस मिलेंगे और इसके अलावा व्यू टैब में। तो सबसे पहले हम होम टैब के बारे में बात करेंगे। होम टैब में ड्राइंग करने के लिए कई सारे टूल्स हैं, कुछ कलर्स हैं, और यहाँ पर हमें व्हाइट कलर में ड्राइंग शीट भी दिखाई दे रही है। तो ड्राइंग शीट पर हम जैसा भी चित्र बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, या किसी फोटो को एडिट करना चाहें तो यहाँ पर हम ओपन करके लाएंगे और ये सारे टूल्स का यूज करके एडिट करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पहला टूल है सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल मतलब कि आपकी पिक्चर में या इमेज में जो भी हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं हम आगे किसी पिक्चर पर जब काम करेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अगर फोटो में कोई कटिंग करना हो, जैसे ग्रुप फोटो होती है और हम चाहते हैं कि हमारी फोटो अलग हम निकाल लें, तो क्रॉप का यूज हम करते हैं। मोबाइल में भी हम यही करते हैं और यहाँ पर भी क्रॉप ऑप्शन है। रिसाइज मतलब फाइल का साइज अलग अलग आकार में ले जाना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट पर या किसी वेबसाइट पर कोई फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होती है तो उसके साइज में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है, तो यही हम कैसे करेंगे, रिसाइज ऑप्शन के द्वारा। कई बार हम फोटो मोबाइल से या कैमरे से हमने फोटो कैप्चर की है और उल्टी आ गई है, यानी कि घूमी हुई आ गई है या फिर मिरर इमेज आ गई है, तो रोटेट का यूज करके हम उस फोटो को घुमा सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल, पेंसिल का यूज आप सब जानते हैं। ड्राइंग शीट पर कहीं पर भी किसी भी कलर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंसिल सेलेक्ट किया और कलर में जो भी चाहूंगा वो सिलेक्ट किया, और जैसा भी मैं चाहता हूँ माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा के आगे पीछे मैं माउस को मूव करूंगा तो वैसे ही ड्राइंग बनती जाएगी। ठीक है। कलर अगर मैं चेंज भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसके बाद पेंसिल की तरह ही कई सारे अलग अलग किस्म के ब्रश मिलेंगे यहाँ पर, तो जो भी ब्रश आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट किया, कलर आपको कौन सा पसंद आ रहा है वो लिया और ड्रॉ। और कोई ब्रश ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई ब्रश हमने चेंज किया। इसके बाद इरेजर, यानी कि मिटाने के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो इरेजर ले लीजिए और इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना हो तो साइज ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर और बड़ा करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो साइज और बड़ा हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। फिलहाल हम सेलेक्ट टूल का यूज करते हैं और पूरा मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक और डिलीट। इसके बाद फिल विद कलर टूल, अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर फिल करने के लिए इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ शेप के साथ में। तो जैसे मैंने
कोई शेप लिया, कई सारे अलग अलग शेप हैं, कौन से शेप को क्या कहा जाता है, इसका नाम भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने लिया, पहले शेप का नाम क्या दिखाई दे रहा है, ओवल, तो मैंने सेलेक्ट किया, कलर में जो भी चाहूंगा सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। इसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबाकर हम जैसा भी आगे पीछे मूव करेंगे तो वैसे ही शेप ड्रॉ होगी, तो जैसा भी शेप हम चाहते हैं वैसा हमने ड्रॉ किया। इसको कहीं पर भी उठाकर रखना हो तो माउस के लेफ्ट क्लिक का ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक और शेप ड्रॉ की, और अभी आप देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है, तो मैं उसे हाइड करना चाह रहा हूँ, तो फिल ऑप्शन में हम जाएंगे, और कई सारे अलग अलग ऑप्शन हैं जिनमें से मुझे अभी चाहिए सॉलिड कलर, तो सॉलिड कलर पर क्लिक किया तो देखिए पीछे का बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है अब, ठीक है। मुझे इसके अंदर एक शेप और डिजाइन करना है, तो फिर से मैंने ड्रॉ किया, ये देखिए। अब इसमें कहीं पर कोई कलर फिल करना है, तो फिल विद कलर टूल उठाया और ब्लैक कलर ही मुझे चाहिए, ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया, और कोई कलर चाहिए सिलेक्ट किया और जहां पर भी हम चाहते हैं वहां पर क्लिक करके फिल कर दिया, और कोई कलर, ठीक है। तो ये हमने एक मटका ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अगर कहीं पर कोई टेक्स्ट आपको चाहिए, मतलब जैसे कहीं पर कोई जानकारियां लिखना हो या नाम लिखना हो, या जैसे पासपोर्ट साइज फोटो में हम नीचे नाम या डेट चाहते हैं, तो ए यानी कि टेक्स्ट सेलेक्ट किया और जहां पर भी हम चाह रहे हैं वहां पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर एक बॉक्स बनता हुआ दिखेगा जिसे हम बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में एक लाइन ब्लिंक करती हुई दिख रही है, इसको हम कहेंगे कर्सर। अगर कर्सर है तो ही टाइप होगा, अदरवाइज टाइप नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखिए कर्सर आगे बढ़ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कारण इसका कारण है इसका बैकग्राउंड, ये देखिए। मतलब ये कि बैकग्राउंड का और फ़ॉन्ट का कलर दोनों दोनों सेम है, तो मैं फ़ॉन्ट कलर ले लेता हूँ ब्लैक, और फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का एक नया टैब एक्टिवेट हो गया है, तो फ़ॉन्ट आपको जो भी चाहिए यहाँ पर आप ढूंढिए। आपको मैंने स्क्रॉल बटन के बारे में बताया था, स्क्रॉल व्हील के बारे में, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट हैं अलग अलग किस्म के वो सारे टेक्स्ट आपको शो होंगे, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद हो या जिसकी जरूरत हो वो आपने सेलेक्ट किया, और अब हम जो भी टाइप करना चाहेंगे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइप किया ज्ञान बूस्टर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर हम चेंज करें, तो कहीं से भी हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ज्ञान बूस्टर में जी के पास से आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आखिर में आर से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां तक भी हम चाहते हैं उतना सेलेक्ट किया। मैं सिर्फ इतना सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कलर हम जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रीन कर दिया या फिर रेड कर दिया, ठीक है। और सेलेक्ट करके हम फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे पास कई सारे अलग अलग किस्म के फ़ॉन्ट हैं, तो जिसकी भी आपको ज़रूरत हो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज अगर हम छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं किसी पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करूंगा तो साइज चेंज हो जाएगा, इसको मैं कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद बोल्ड यानी कि मोटा या पतला करना टेक्स्ट को, यानी कि गाढ़ा करना, जिस फंक्शन से जो चेंज हो रहा है उसी से वापस नॉर्मल भी हो जाता है। इसके बाद इटैलिक यानी कि फ़ॉन्ट को तिरछा या सीधा कर दो, अंडरलाइन नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, स्ट्राइक थ्रू बीच में एक लाइन आ जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई पॉम्पलेट हमने बनाया उसमें हमने लिख दिया कि हमारे इस कोर्स की फीस 5,000 रुपये है, और एक लाइन से उसको क्रॉस कर दिया है और लिख दिया कि 4,000 रुपये है, मतलब हम शो करना चाहते हैं कि फीस इतनी है लेकिन अब इतनी ही रह गई है, तो ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत पड़े तो स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं, और वापस मैंने स्ट्राइक थ्रू से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। कलर्स कई सारे हैं, जो भी कलर हम लेना चाहें ले सकते हैं। अब और भी अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना हो तो सबसे लास्ट जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है कर्सर वहीं पर क्लिक करके रखेंगे, और आगे जो भी हम टाइप करना चाहें कर सकते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर टाइप किया, ठीक है, कंप्यूटर शाला। अगर कर्सर है तब तक टाइप हो जाएगा, और कर्स आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर गलती से भी क्लिक कर दिया तो ये सेट हो चुका है, मतलब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टूल है सिलेक्ट। हम कई प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर का मतलब आप जहां पर भी माउस पॉइंटर ले जाकर माउस का बटन दबाएंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने का मतलब माउस को खींचना,
तो ड्रैग करने पर जितना बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है उतना हिस्सा सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट किए हुए हिस्से को हम कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस पहले जैसा कर लेना चाह रहा हूँ। इसके अलावा सिलेक्टेड में है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब मैं जैसा भी माउस का बटन दबा के आगे पीछे ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करूंगा सिर्फ उतना ही हिस्सा सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने ये किया और ये देखिए, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो जितना मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही चेंज हो रहा है। कंट्रोल जेड यानी कि अनडू करके हम पहले जैसा कर लेते हैं, और सिलेक्ट ऑल अगर करते हैं तो पूरी ड्राइंग शीट सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से कंट्रोल जेड यानी कि अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद क्रॉप का मतलब जितना हिस्सा मैं चाहता हूँ सिर्फ उतना ही रहे, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हट जाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो में से हम अपनी फोटो निकालना चाह रहे हैं तो क्रॉप कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट टूल लिया और जितना भी हम चाहते हैं उतना हिस्सा सिलेक्ट किया और क्रॉप, तो ये कट गया, बाकी सारी चीजें हट गई और जितना सिलेक्ट किया था सिर्फ वही रह गया है। इसके अलावा मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिर से। इसके अलावा रिसाइज के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। रोटेट, रोटेट का मतलब घुमाना। तो रोटेट करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जैसे रोटेट राइट 90, तो राइट हैंड साइड पर 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, और रोटेट 90 करेंगे तो और घूम जाएगा। अगर रोटेट लेफ्ट 90 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रोटेट करेगा, बिल्कुल अपोजिट। रोटेट 180 करेंगे तो 180 के एंगल पर पूरी तरह से घूम जाएगा। उसको मैं फिर से रोटेट 180 करूंगा फिर से सीधा। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इस तरह से घूम जाएगा। फिर से करते हैं फ्लिप वर्टिकल। और उसके बाद है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट में हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक मिरर इमेज की बात हो रही है। उसके बाद पिक कलर, पिक कलर मतलब एक ड्राइंग शीट से एक हिस्से से कलर उठाकर कहीं और यूज कर लेना। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक नई ड्राइंग शीट ले लेते हैं न्यू। इसको सेव अगर करना चाह रहे हैं तो सेव, नहीं करना चाह रहे तो डोंट सेव। तो फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करना चाहता हूँ तो मैंने किया डोंट सेव। हमारे सामने ड्राइंग शीट है, मैं अलग अलग कुछ सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अब एक मैंने कलर लिया और देखिए यहाँ पर दो ब्लू कलर दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें फिल कर दिया, दूसरा सेलेक्ट किया और इसमें फिल कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब मुझे इन दोनों में भी ये कलर चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पहचान नहीं पा रहा हूँ कि फर्स्ट कलर है या सेकंड कलर। तो फिर मैंने क्या किया, यहीं से कलर उठाया और यहाँ पर फिल कर दिया। तो इसके लिए मेरे पास है फिल विथ कलर पिकर। कलर पिकर लिया, कहाँ से आप कलर लेना चाह रहे हैं वहां पर गए, तो देखिए एक ड्रॉपर आ गया, जैसे किसी छोटे बच्चे को दवा पिलाने के लिए आता है, तो ड्रॉपर के का यूज करके यहाँ से हमने क्लिक करके कलर उठाया। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कलर वन वाली लोकेशन पर देखिएगा ये कलर यहाँ जाएगा। सॉरी, मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने क्लिक किया तो देखिए ये कलर यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं अगर फिल करूंगा तो देखिए अब यही कलर आ रहा है। एक बार फिर से करते हैं, मैंने कलर पिक कर लिया और मुझे ये कलर चाहिए, तो यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया तो ये कलर मेरा सिलेक्ट हो चुका है और दूसरी जगह पर मैंने फिल कर दिया। या फिर और किसी जैसे पेंसिल का या ब्रश का यूज करना हो तो उनका यूज भी हम करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कलर पिकर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं तो अगर ठीक से काम करते नहीं बन रहा है, जैसे छोटी छोटी जगहों पर कलर फिल करना है या कोई एडिटिंग करना है, तो अगर आप कोई चीज ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो उस ड्राइंग शीट को जूम कर सकते हैं। तो जूम करने के लिए मैग्नीफायर लिया और हम जहां पर भी चाहते हैं माउस पॉइंटर वहां ले जाकर किया क्लिक, तो जितना क्लिक करेंगे उतना जूम होता जाएगा, और जूम का मतलब जूम इन होता जा रहा है। और जूम आउट करने के लिए राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से जूम इन, राइट क्लिक से जूम आउट। ठीक, अब हम जैसा भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि अपने हिसाब से कोई नया कलर हम यूज करें तो एडिट कलर में जाकर
अपने हिसाब से कोई नया कलर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कई सारे कलर्स हैं, और मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ जैसे कि रेड। अब रेड आपको कैसा चाहिए, लाइट डार्क, तो आपने यहाँ से चेंज किया, जो भी कलर जैसा भी कलर आपको सही लगे वो आपने सेलेक्ट किया, और एड एड टू कस्टम कलर पर क्लिक करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट में। कोई सेकंड कलर मैंने लिया, कैसा चाहिए लाइट और डार्क, तो जैसा भी मुझे पसंद हो वो सेलेक्ट किया और एड टू कस्टम कलर। तो मैंने दो कलर्स यूज कर लिए हैं, दो या दो से ज्यादा कलर्स हम जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं, हमारी मर्जी। अब इसको करते हैं ओके। तो ओके करते ही यहाँ पर आपका जो दो कलर से मिलाकर नया कलर बन रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने किया ओके, देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं फिल विद कलर टूल का यूज करता हूँ, और इससे पहले तो मैं मैग्नीफायर से इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब फिल विद कलर टूल हमने लिया और ये जो एक नया कलर बनकर आ चुका है उसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नहीं हो तो आपने क्लिक किया और क्लिक किया, तो देखिए इस ब्लू में और इस ब्लू में फर्क है, मतलब हमने दो अलग अलग कलर्स को मिलाकर एक नया कलर बना लिया है। ठीक है, तो ये होम टैब में ये सारे छोटे छोटे टूल्स आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा कट, कॉपी और पेस्ट टूल को हम आगे समझेंगे कुछ ड्राइंग या एडिटिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं व्यू व्यू टैब। व्यू टैब में हमने जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस यहाँ पर देखे थे, एक मैग्नीफायर था और जूम इन जूम आउट किया था। यही काम करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, व्यू में जूम इन जूम आउट। जूम इन पर क्लिक करेंगे तो जूम इन हो रहा है, और जूम आउट पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट यानी कि छोटा हो रहा है। ठीक है, 100% पर क्लिक कर देंगे तो आपके ड्राइंग शीट 100% पर सेट हो जाएगी। जूम इन जूम आउट करने का दूसरा तरीका है, सबसे नीचे माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, और प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक छोटी सी बटन आगे पीछे जाते हुए दिख रही है, इसको पकड़ के हम आगे पीछे खींचेंगे, इससे भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा। या फिर इससे भी बेस्ट तरीका है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का स्क्रॉल, तो जूम इन और जूम आउट दोनों हो जाएंगे इससे। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। ओके, अब अगर हमने जूम किया हुआ है तो यहाँ पर थंबनेल एक ऑप्शन चालू हो जाएगा। देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, जूम आउट तो ये ऑफ हो गया। इसको मैं जूम इन करूंगा तो थंबनेल एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये कि जूम करने के दौरान ही थंबनेल काम करता है। और क्या काम करता है, इस थंबनेल पर हमने क्लिक किया तो एक छोटा सा प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है ड्राइंग शीट का। हम स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट अगर जाते हैं तो हमें पूरा दिखाई देगा कि लेफ्ट में या राइट में या टॉप पर, मिडिल में या बॉटम में क्या है, एक छोटा सा सैंपल आपको दिखाई देता है। ठीक है, थंबनेल पर क्लिक कर देंगे तो फिर से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फुल स्क्रीन मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पर हमारा पिक्चर कैसा दिखाई देगा, तो फुल स्क्रीन पर हमने क्लिक किया, ये देखिए पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर से कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो फुल स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूलर रूलर का मतलब एक स्केल आपके सामने आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब ये स्केल क्या काम में आएगी, जैसे हम पोस्टर बैनर जैसा कोई डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं, या पॉम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं, या फिर कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, या ऐसे कोई भी डिजाइन बना रहे हैं जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि उसको डिजाइन करने के बाद प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि किस लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से हमें इसे प्रिंट करना है। तो आपको स्केल के लिए, स्केलिंग के लिए रूलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का ध्यान रखते हुए हम अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। इसका यूज भी हम आगे करके देखेंगे, 4x6 का एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए 4x6 का एक शीट हम डिजाइन करेंगे, उसके दौरान मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब कई सारी, देखिए ध्यान से लाइनें बीच में दिखाई दे रही हैं। ग्रिड लाइन जैसे मान लीजिए ग्राफ जैसा कुछ काम करना है जिसमें एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत हो, तो ग्रिड लाइन हमारे काम कहीं ना कहीं आ सकती है। ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब सबसे नीचे देखिए यहाँ पर इस पट्टी में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही, जैसे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, या पिक्चर का साइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा माउस पॉइंटर इस वक्त ड्राइंग शीट पर कहाँ पर है वो पूरी लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, आपके इस पिक्चर की या ड्राइंग शीट की लोकेशन या उसका स्टेटस दिखा रहा है। तो स्टेटस बार पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए वो हाइड हो गया है, वापस हम क्लिक कर देते हैं तो ये शो हो रहा है। ठीक है,
तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, ये सारी स्थिति कौन दिखाता है, स्टेटस बार। और स्टेटस बार को, ग्रिड लाइन को या रूलर को एक्टिवेट करना हो या डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं इन ऑप्शंस का यूज करके। ठीक है, तो डे वन में सिर्फ इतना ही। अभी आप ये सारे टूल्स का यूज करके पेंट ब्रश को सीखें और साथ ही माउस चलाना सीखें। अगले वीडियोस में मैं आपको पिक्चर्स पर एडिटिंग करना और साथ ही 12 कमांड्स हैं जिनकी जरूरत आपको हर एक जगह पर पड़ेगी, उन कमांड्स पर काम करना सीखेंगे। धन्यवाद।